आरज़ू मेरा सुकून मेरे सबस्तून ज़मीन हुए छोटी सी कयामत बस तेरी इनायत मिटा गई हिला गई मेरा जुनून छोटी सी कयामत बस तेरी इनायत मिटा गई हिला गई मेरा जुनून ربك أعمالهم إنه بما يعملون خبير فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير अल्लाह अकबर समी अल्लाह लिमन हमिदा। अल्लाह कबूल करे हसन भाई। शुक्रिया इमाम साहब। अल्लाह तुम्हारी भी नमाज कबूल करे। आमीन। इमाम साहब आपसे कुछ बात करनी थी मुझे। हमें अपनी जमात बढ़ानी चाहिए, हम तादाद में बहुत कम हैं। इमाम साहब आपके पीछे सिर्फ मैं और हसन होते हैं जो कि बहुत कम हैं, आप समझ रहे हैं ना? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मस्जिद भरी हुई अच्छी लगती है, अगर हम लोग कोशिश करें तो हमारी मस्जिद में रौनक हो सकती है इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। खुदा हाफिज। हाँ बोलो। इमाम साहब आप कहाँ हैं? वो लोग बस आने ही वाले हैं। हाँ फातिमा मैं अभी मस्जिद में हूँ, बस निकल रहा हूँ। आप जरा आते हुए चाय लेते आइएगा क्योंकि घर पर नहीं है। अब याद आया, अब तो दुकानें बंद हो गई होंगी। चलो अच्छा देखता हूँ मैं। ठीक है खुदा हाफिज। रजा भाई, रजा भाई एक मिनट रुकें। जी बोलिए इमाम साहब, क्या चाहिए आपको? चाय, घर में चाय खत्म हो गई है। वो आज शाम मेरी बेटी को कुछ लोग देखने के लिए आ रहे हैं, आप दे देंगे? जी इमाम साहब अभी दे देता हूँ। यानी अब आप अपनी बेटी की शादी की तैयारी में हैं? हाँ बेटी की शादी करनी ही तो है ना। ओ अल्लाह, वैसे तो मैं लाना ही भूल गया। कोई बात नहीं इमाम साहब, वैसे भी मैं अब अपनी दुकान बंद कर ही रहा था, फिर दे दीजिएगा पैसे। अल्लाह आपसे खुश हो। अल्लाह हाफिज इमाम साहब। शुक्रिया। कैसे हो बेटा? ठीक हूँ इमाम साहब। रुको मैं मदद करता हूं। बहुत शुक्रिया इमाम साहब। कोई बात नहीं। जी ठीक है। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। रख दो बेटी। अम्मी हम कुछ चीजें और मंगवा लेते तो ज्यादा ठीक रहता। नहीं इसकी क्या जरूरत है, वो लड़की देखने आ रहे हैं।
किसी अमीर के घर में पार्टी पर तो नहीं आ रहे ना? चलो जाओ देखो बाबा होंगे दरवाजे पर। लगता है बाबा चाय ले आए हैं। सनान, तुमने आज भी नशा किया है? मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम आज भी ऐसा कर सकते हो। तुम लोगों को क्या इससे, मैंने बस थोड़ी सी पी है। अम्मी आकर आप अपने इस बेटे को संभालें। मुझसे ये संभाला नहीं जा रहा। अरे क्या हुआ तुम्हें? ये क्या हाल बना रखा है तुमने और कितनी स्मेल आ रही है तुम्हारे पास से? अरे कहाँ से आ रहे हो तुम? इसमें क्या है, कहा तो है बस थोड़ी सी भी है, दोस्तों के साथ पीनी पड़ती है। सनान अरे बेटा कहाँ पर जा रहे हो, इधर आओ जल्दी से वॉशरूम में चलो, तुम्हारे बाबा आने वाले हैं। बस तुम्हें इस हाल में देखकर हार्ट अटैक आ जाएगा उन्हें। मेरे अल्लाह बेटे को सीधा रास्ता दिखा, इतने बड़े इमाम का बेटा और शराबी है, जरा संभल के। अल्लाह अपने बाबा को वहां पर बाहर ही रोकना, अंदर मत आने देना उन्हें। चलो तुम अंदर चलो। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं वक्त पर आ गया ना, वो लोग आए तो नहीं अभी? नहीं वो लोग अभी नहीं आए। अच्छा तुम्हारी अम्मी कहाँ हैं? अच्छा ठीक है मैं मुंह हाथ धोकर आता हूँ। बाबा वो वॉशरूम अभी खाली नहीं है। इमाम साहब खुशामदीद, यहाँ मुंह हाथ धोना है। और यहाँ क्या करना है, हाथ मुंह धोने आया हूँ। यानी मेरा मतलब है मैं सिर्फ वॉशरूम धो रही थी और काम खत्म करके आपको बता देती हूँ। अच्छा काम खत्म करके बता देना। हाँ सनान कहाँ है, वो अभी तक आया नहीं? क्या सनान वो मैच खेलने के लिए गया है, मेरा मतलब है मैच के बाद वो अपने दोस्तों के साथ चला गया, मैंने भी उसे कुछ नहीं कहा, आ जाएगा वो जल्दी। क्या कहूँ मैं तुम्हें, कहाँ लाकर खड़ा कर दिया है मुझे, एक झूठ बोलना बाकी था और वो भी बोल दिया है मैंने। देखें आप बाबा को कुछ मत बताइएगा अम्मी, उन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। अगर इतनी ही फिक्र है तो ऐसा क्यों करते हो, तुम जैसी औलाद को ये सब अच्छा नहीं लगता। वो लोग मुझे अपने पास नहीं बैठने देते इसलिए किया, मेरा मजाक बनाते हैं कि मैं इमाम का बेटा हूँ। आ गए, मेरी बात सुनो, जब हम लॉन में जाएं तुम अपने कमरे में चले जाना और लाइट मत ऑन करना और चुप रहना, किसी किस्म का कोई शोर मत करना, ठीक है? ठीक है मैं नहीं आऊंगा बाहर, अब मेरे सर में दर्द है। कुछ नहीं होता। बहुत शुक्रिया बेटी। तुम्हारा शुक्रिया। खुश रहो। शुक्रिया बेटी। ये जगह कैसी है बताएं मुझे, मैं आते हुए भी इसे देख रहा था। ये जगह पहले ऐसी नहीं थी, अब तो हमें भी ऐसे रहने की आदत हो गई है। यहाँ जितने भी हंगामे होते हैं वो सब हम टीवी पे देखते रहते हैं, मैं अकेली होती तो कभी ना निकलती। हिम्मत है आपकी जो आप इस माहौल में रहते हैं। नहीं डियर, ये जगह शहरी तब्दीली की वजह से ऐसी हो गई है, पहले ऐसी नहीं थी और वैसे भी तो हमें भी कोई मसला नहीं। छोड़िए ये सब बातें करना आप लोग, ये सब तो होता ही रहता है, वैसे भी अब तो सब लोग हंगामा करने का मौका ढूंढ रहे होते हैं, मुल्क को तबाह करके रख दिया। बाबा काम की बात करें ना। अच्छा ठीक है करता हूँ। हमारे आने की वजह तो आपको पता ही होगी इमाम साहब, ये दोनों एक दूसरे को जानते हैं और बहुत पसंद भी करते हैं, और आपकी बेटी वाकई बहुत अच्छी है, एक शरीफ खानदान से हमारे घर में बहू आएगी, हमें और क्या चाहिए। अगर आप इजाजत दे तो इमाम साहब मैं आपकी प्यारी सी बेटी का हाथ अपने बेटे वली के लिए मांगना चाहता हूँ, तो फिर आपको रिश्ता कबूल है? अल्लाह तुम्हें हमेशा खुश रखे बेटी। बहुत शुक्रिया आपका। जीती रहो।
अच्छा हम चलते हैं, अपना ख्याल रखिएगा। शुक्रिया, जीते रहो। शब्बा खैर। शब्बा खैर बेटा। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। ए इमाम साहब, हमने बेटी भी दे दी। हाँ, यानी लड़की का बाप होना आसान बात नहीं है। क्यों, ठीक कहा ना? आप ठीक नहीं कह रहे। चलो अंदर चलें। शादी का जोड़ा देखा था, वो लेना है ना? अभी जल्दी मत करो बेटी। वली हनीमून के लिए पेरिस जाना चाहता है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि हम लोग इसी मुल्क में रहें, यहाँ के किसी भी शहर में। बेटी अभी 2 ही दिन तो हुए हैं, रुक जाओ ना। चलो बैठो। चलो बैठ जाओ। सुबह बखैर। नाश्ता तैयार हो गया? जी जनाब तैयार है, आए बैठ जाए आप। बाबा कहाँ हैं? कहाँ होंगे, वो कैफे गए हैं। जमात को बढ़ाने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं, और उनके बेटे को तो देखो यहाँ पर। अल्लाह, वो देखें तो हार्ट अटैक हो जाए। एक दिन में 24 घंटे होते हैं, और हम इन घंटों में हमेशा नमाज को भूल जाते हैं। कामयाबी की कुंजी है नमाज, और नमाज ही है जो बख्शिश का जरिया है। नमाज हमेशा वक्त पर अदा करें। पूरे दिन का कुछ हिस्सा हमें नमाज के लिए वक्फ कर देना चाहिए। दुनियावी जिंदगी को छोड़कर आखिरत की फिक्र करते हुए नमाज के लिए निकलना चाहिए। आप ठीक कह रहे हैं, हमें नमाज जरूर पढ़नी चाहिए। अच्छा, तो फिर नमाज के लिए तुम मस्जिद आना शुरू कर दो। नहीं इमाम साहब, मैं कैसे आ सकता हूँ? मैं दुकान को किसके हवाले करूँगा? इमाम साहब। छोटी सी कयामत, बस तेरी इनायत, मिटा गई हिला गई मेरा जुनून। तो फिर अल्लाह के सामने क्या हिसाब दोगे? उसी ने हमें सिर्फ इस दुनिया में अपनी इबादत के लिए भेजा है, और हमें उसकी इबादत करनी भी चाहिए। अपनी जिंदगी का कुछ वक्त तो हम उसकी इबादत के लिए निकाल सकते हैं। जवानों, तुम लोगों ने भी मेरी बात सुनी ना? बाकायदगी से 5 वक्ता नमाजें अदा करके हम अपनी दुनिया और आखिरत दोनों को संवार सकते हैं। क्या हुआ इमाम साहब, बात मनवाने के लिए कोई और नहीं मिला आपको? ये सब जाकर किसी और को बताएं, और हमें इस तरह के लेक्चर देना बंद करें। हमें आपकी बातों में इंटरेस्ट नहीं है। ये बातें आप जाकर उन हुक्मरानों को समझाएं जिन्होंने इस शहर को कभी जन्नत और कभी दोजख बनाया हुआ है। तुम लोग दूसरों की फिक्र छोड़कर अपनी फिक्र करो। अगर इंसान अपनी आखिरत को नहीं संवार सकता, तो उसका इस दुनियावी जन्नत में रहना या ना रहना किसी काम का नहीं। हकीकी जन्नत हासिल करने का जरिया नमाज है। नमाज नमाज इंसान के दिल और रूह को सुकून पहुंचाती है, उसकी दुनिया ही जन्नत बन जाती है। तुम लोगों का मैं दोपहर की नमाज में इंतजार करूंगा, और मुझे यकीन है कि तुम लोग जरूर आओगे। यहाँ बैठकर फजूल बातें करने से अल्लाह का जिक्र बेहतर है। तुम लोग आओगे ना? आज मस्जिद में रौनक जरूर होगी। जरूर इसमें भी कोई बेहतरी ही है।
तुम जाओ यहाँ से, तुम्हारे बाबा गुस्सा होंगे। क्यों गुस्सा होंगे? मेरे बाबा मुझे कुछ नहीं कहते। मुझसे झूठ बोलने की जरूरत नहीं, मैं तुम्हें अच्छी तरह से जानता हूँ। बड़े आए तुम इमाम के बेटे। देखो मुझसे फजूल की बातें मत करो, पीछे हटो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे हाल लगाने? हटो, दूर हटो, नहीं छोड़ूंगा मैं तुम्हें। क्या हो रहा है यहाँ? क्या मसला है? क्यों लड़ रहे हो तुम दोनों? चलो पीछे हटो, मुझे यहाँ पे कोई लड़ाई नहीं चाहिए। समझ गए दोनों? अब जाओ यहाँ से, चलो जाओ। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत है भाई, यहाँ क्या कर रहे हो? क्या करूँगा, जमात के खाने की चीजें लेकर आया हूँ। आप गलत मस्जिद में आ गए हैं, यहाँ तो कोई भी जमात नहीं, बस समी और हसन भाई हैं। अब तो वो भी जा चुके हैं। आप तो इमाम हैं और आप ये बेहतर जानते हैं, ये रिस्क कहाँ से आता है और कौन अदा करता है इसे। जमात नहीं आई तो क्या हुआ, आप ले लीजिए। ठीक है, बस एक पैकेट दे दो। ये रिस्क कहाँ से आता है कोई भी इस बात को नहीं जानता इमाम साहब। हाँ बोलो फातमा। कहाँ है इमाम साहब, मस्जिद में है क्या आप? हाँ मस्जिद में हूँ मैं, मुझे कुछ काम है, थोड़ी देर में आता हूँ। ध्यान से आइएगा, गलियों में फिर से मसला है, ध्यान से आइएगा। अच्छा ठीक है। जल्दी से इस जगह को खाली करो, कर्फ्यू लगा दिया गया है, जल्दी करो। इमाम साहब मदद करें। इमाम साहब चलो आओ मेरे साथ, मेरे पीछे आ जाओ, चलो चलो। सब अपने अपने जूते उतार दो। तुम ये चाबी लेके जाओ, देखो मेरा कमरा उस तरफ है, कमरे में से कुछ दवाइयां और कपड़ा ले आओ, जल्दी करो जल्दी। चलो आओ, आ जाओ आराम से, आ जाओ आराम से आओ। चलो चलो आ जाओ आ जाओ, आराम से बैठ जाओ आराम से। लाओ तो पकड़ो इसे, पकड़ो, सांस लो बेटी, लंबी लंबी सांस लो। तुम जल्दी से जाओ, जाकर पानी लाओ, लाओ दो जल्दी करो। ये तो पानी पियो बेटा, ये तो ये दवा लगा लो जख्म पर। अस्तग़फिरुल्लाह, उन लोगों ने ऐसा क्या कर दिया जो तुम लोगों की यह हालत हो गई? दुनिया की जन्नत ऐसी ही होती है, हुक्मरान ऐसे ही ऑर्डर्स देकर सब कुछ बर्बाद कर देते हैं इमाम साहब। ये लोग हमें जीने तक नहीं देते, हम लोग इसी तरह मरते रहेंगे। इसे पकड़ो और अपने दोस्त के जख्म पर लगाओ। इमाम साहब हमने बदतमीजी की, हमें माफ कर दें। कोई बात नहीं बेटा, एक मिनट रुको, अब ये बांध लो। खैरियत है जनाब, आप कुछ परेशान लग रहे हैं। मैं बच्चों की हिफाजत नहीं कर सका, मेरी आंखों के सामने उनकी ऐसी हालत हो गई। वो तो ठीक है, लेकिन आप सब कुछ एक साथ ठीक नहीं कर सकते। इस वक्त हालात कुछ ठीक नहीं है, हुकूमत के कुछ लोग मस्जिद का दौरा करने आ रहे हैं, वो लोग क्या कहते हैं इसका तो मुझे नहीं पता, तब तक आपको खामोशी इख्तियार करना होगी। Thank you.
आंटी। इमाम साहब, हमने राबिया की जहेज की शॉपिंग के लिए जरा बाजार जाना था, अगर आपके पास टाइम हो तो आप भी चले ना। मैं वहाँ जाकर क्या करूँगा, तुम लोग जाओ, मैं घर पर ही ठीक हूँ। आप भी आ जाए ना। अच्छा बेटी, देखते हैं। गुज़िश्ता रात एक गिरोह मस्जिद में दाखिल हो गया और उन्होंने मस्जिद की बेहुर्मती भी की। ज़राए के मुताबिक वो लोग मस्जिद में जूते लेकर घुस गए और मस्जिद में तोड़फोड़ भी की, जिससे मस्जिद का काफी नुकसान हुआ। अभी तक कोई जानी नुकसान सामने नहीं आया और पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है। वो लोग क्या चाहते थे और उनका मस्जिद में दाखिल होने का मकसद क्या था, ये अभी तक पता नहीं चल सका। बाबा, ये आपकी मस्जिद है ना? ये क्या है बाबा, क्या मस्जिद की बेहुर्मती की है इन लोगों ने? नहीं, ये बात नहीं है बेटा। अल्लाह तौबा, ये लोग सब कहां से आ गए हैं? जी बोले जी, ठीक है, बहुत शुक्रिया जी, मैं देख चुका हूं, बस अभी ही देखा। ठीक है जनाब, मैं आता हूं, खुदा हाफिज। मुझे इसी वक्त जाना होगा, मुफ्ती साहब ने बुलाया है मुझे। इसी वाकये के लिए जी बोले सर। जी बिल्कुल ठीक है, मैं आपका काम बहुत जल्द कर दूंगा। आ जाओ। अस्सलामु अलैकुम जनाब। वालेकुम अस्सलाम इमाम साहब, तशरीफ रखिए। बहुत शुक्रिया। कल रात को मस्जिद में क्या हुआ था इमाम साहब? उन लोगों ने मस्जिद की बेहुर्मती की। शुक्र है कि आपको कुछ नहीं कहा। मुझे तो कुछ भी नहीं कहा जनाब, मस्जिद की भी बेहुर्मती नहीं की। सुना है वो लोग मस्जिद में जूते लेकर घुसाए थे, उन लोगों ने वहाँ तोड़फोड़ भी की। ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ जनाब, मस्जिद में दाखिल होते वक्त मैंने खुद उन सब के जूते उतरवाए थे और किसी ने भी एतराज नहीं किया था। एक मिनट रुकें जरा। सर, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। जी बिल्कुल सर, इस वक्त मेरे पास इमाम साहब बैठे हैं। जी वही, यानी वो कहना चाहते हैं कि ये सब झूठी खबरें हैं, फितने की बात और मस्जिद की बेहुर्मती, ये सब झूठ है। जी हां, तो ये बात है, ठीक है। अच्छा ठीक है सर, मैं समझ गया, खुदा हाफिज। इमाम साहब, इस वक्त हालात कुछ ठीक नहीं है, हुकूमत के कुछ लोग मस्जिद का दौरा करने आ रहे हैं, वो लोग क्या कहते हैं इसका तो मुझे नहीं पता, तब तक आपको खामोशी इख्तियार करना होगी, आपको हमारी बात मानना होगी। ठीक है जनाब, जैसा आप कहेंगे वैसा ही होगा। देखो तो जरा, घटिया लोग, क्या हाल कर दिया मस्जिद का, सब कुछ बर्बाद करके रख दिया। अच्छी तरह से सबकी तस्वीर खींच लो, कोई भी चीज रहनी नहीं चाहिए, एक एक चीज की तस्वीर खींचो ताकि पूरा मुल्क इस बेहुर्मती को देखे। लेकिन जनाब, ये जगह ऐसी नहीं थी, मैंने खुद यहाँ की सफाई की। वो देखो, उसकी भी तस्वीर खींचो। मेरी बात सुने, मुझे कुछ कहना है। अब तुम क्या कहना चाहते हो, देखो जरा ये सब कुछ क्या है, इनका मस्जिद में क्या काम भला, बताओ। और तुम देखो इसे, इसकी भी तस्वीर खींचो, एक भी चीज बाकी ना रहे। बात सुने, यहां ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, मैं जानता हूं ये सब उन लोगों ने नहीं किया, उन्होंने मस्जिद की कोई बेहुर्मती नहीं की, कल रात यहां ऐसा कुछ भी नहीं था। मुफ्ती साहब, अब ये क्या कहना चाह रहे हैं हमसे, अब यह हुकूमत का मसला है, अगर कुछ कर नहीं सकते तो चुप करके देखें। मैं अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए जा रहा हूं मुफ्ती साहब, देखना यहां कोई काम खराब नहीं होना चाहिए। जी ठीक है सर। ये सब बहुत गलत हो रहा है जनाब। मैं आपको समझ रहा हूं, समझ रहा हूं।
सब कुछ आप लोगों के सामने है। जिस तरह मस्जिद की बेहुरमती की गई, जूते लेकर वो लोग मस्जिद के अंदर दाखिल हुए, मस्जिद का तकद्दस पामाल करके रख दिया उन लोगों ने। वो लोग सिर्फ मुल्क के ही नहीं बल्कि दीन के भी दुश्मन हैं। उन लोगों को सजा जरूर मिलनी चाहिए। हम अपने मुल्क और दीन के दुश्मनों को इस तरह सरेआम नहीं घूमने दे सकते। फितना फैलाने वाले लोगों को हम अपने दरमियान बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन लोगों को यहाँ नहीं रहने देंगे। बहुत शुक्रिया सर। सर एक मिनट मेरी बात सुनिए सर, एक सवाल का जवाब दीजिएगा सर। देखो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, मेरी बात का यकीन करो। बाबा किसी दहशतगर्द के साथ नहीं मिले हुए, यहाँ सब कुछ ठीक है और हमारी शादी में भी कोई मसला नहीं होगा। इस तरह का बयान हरगिज नहीं दूंगा। क्या मतलब नहीं दोगे बयान? ये किसी एक इंसान का मसला नहीं है, हुकूमत का भी मसला है। ये सब आप मुझे नहीं बताएं, बस इतना जान लें कि मैं झूठ नहीं बोलूंगा। देखें अब आप हुकूमत से टक्कर लेंगे इमाम साहब, मेरी बात सुने, ये कोई छोटा मसला नहीं है। वो लोग अब इतनी आसानी से इस काम का पीछा नहीं छोड़ेंगे। तुम मेरी बात क्यों नहीं समझ रहे? देखें आप जैसा कह रहे हैं, उन लड़कों ने वैसा कुछ भी नहीं किया। मैं कल खुद उनके साथ था, गवाह हूं मैं। मैं उनके खिलाफ कभी बयान नहीं दे सकता, समझे आप? आप उनके खिलाफ बयान कैसे नहीं देंगे? पुलिस उन्हें कभी नहीं छोड़ेगी। उन्होंने फितना फैलाने की कोशिश की है। आपको क्या लगता है वो बच जाएंगे? अगर आपने बयान नहीं दिया तो आप उन्हीं में शुमार हो। मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, बस ये कहना चाहता हूँ कि मस्जिद की बेहुरमती उन लोगों ने नहीं की, उनका कोई कसूर नहीं। और आप हैं कि मुझे झूठ बुलवाना चाहते हैं। मैं ऐसा नहीं कर सकता। इमाम साहब कभी अपनी बेहतरी के लिए झूठ बोल लेना भी बेहतर होता है। आपको बयान तो देना ही होगा। आप तो जानते ही हैं कि हुकूमत इस काम का पीछा नहीं छोड़ेगी। इमाम साहब आपके लिए हुकूमत से टक्कर लेना ठीक नहीं। अब आपको झूठ हर हाल में बोलना है। वो लोग ताकतवर हैं और हमारे पास कुछ भी नहीं। वो आपको मस्जिद से भी निकलवा देंगे और आप कुछ नहीं कर सकेंगे। आप समझ रहे हैं ना मैंने क्या कहा? मुझे और आपको इस काम से दूर ही रहना चाहिए। ये मोहल्ला ठीक नहीं, यहां तो आपको कोई सपोर्ट करने वाला भी नहीं। आप समझ रहे हैं ना? हमारी हुकूमत शहर की तरक्की के लिए काम कर रही है। वो इस शहर को दहशतगर्दी से मुकम्मल तौर पर पाक कर देना चाहते हैं। बेहतर है कि आप सामने आकर हुकूमत के हक में बयान दे दें, और इसमें कुछ गलत भी नहीं है। मेरा मशवरा तो यही है कि आप जाकर मीडिया को बयान दे दें। बुरा मत मानिएगा, मैं ये सब नहीं करूंगा। मैं ये झूठ बोल के अपनी आकिबत खराब नहीं करना चाहता। गलत कर रहे हैं इमाम साहब, गलत कर रहे हैं आप। मस्जिद से निकाल दिए जाएंगे, अपना ना सही, कम से कम अपने बच्चों का तो ख्याल करो, उनका क्या होगा? बात को समझने की कोशिश करो। देखें इस मसले को मजीद मत बढ़ाएं आप इमाम साहब। हमारे पीछे क्यों पड़े हैं? पूछो मत, हालात बहुत खराब हैं। मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। बाबा बताएं कल रात क्या हुआ था? मस्जिद तो जैसे जंग की जगह बनी हुई है, टीवी में इतना कुछ दिखाया जा रहा है बाबा। ऐसा कुछ भी नहीं है बेटी, तुम लोग भी हर बात पे यकीन मत कर लिया करो, समझी? जाओ जरा, मैं देखती हूँ।
क्या हुआ है? बाहर सहाफी आए हुए हैं। हम में से कोई मशहूर हो गया है और मुझे पता भी नहीं इस बात का। फजूल की बातें मत करो, यहाँ इतना कुछ हो रहा है और तुम्हें मजाक करना सूझ रहा है सनान। चलो अंदर। ऐसा क्यों कह रहे हो वली? देखो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, मेरी बात का यकीन करो। बाबा किसी दहशतगर्द के साथ नहीं मिले हुए, यहाँ सब कुछ ठीक है और हमारी शादी में भी कोई मसला नहीं होगा। तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो, मेरे बाबा सब कुछ देख लेंगे। ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ। देखो तुम मेरी फिक्र मत करो, मैं उसी टीम में खेलूंगा। हाँ बिल्कुल, मैं तुमसे सुबह आकर बात करता हूँ। जनाब क्या बात है?
इमाम साहब आपको बताना होगा कि उस रात क्या हुआ था। उन लड़कों ने मस्जिद की बेहुर्मती की है, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? एक मिनट, मैं आज तक खामोश रहा और कोई भी बयान नहीं दिया, इसके लिए वो लड़के मुझे माफ कर दें। आप जो कुछ भी दिखा रहे हैं मैं वो सब कुछ देख रहा हूं। मैं बताना चाहता हूं कि वो सब झूठ है, उन तमाम लड़कों पर बोहतान लगाया है। वो लोग मस्जिद में जूते उतार कर दाखिल हुए थे, उन पर इल्जाम ये भी है कि उन तमाम लड़कों ने मस्जिद की बेहुर्मती की। इत्तेफाकन मैं उस रात मस्जिद में ही था और इस बात का गवाह हूं कि वो लोग बेकसूर हैं। उनके बारे में जो कुछ भी लिखा गया और जो कुछ भी दिखाया गया वो सब झूठ है। वो जख्मी हालत में थे, उन लोगों ने एक दूसरे की मदद की, मेरे कहने पर उन्होंने अपने जूते उतार दिए थे। अगर कोई मुजरिम है तो वो मैं हूं, मुझे सजा मिलनी चाहिए। मुजरिम हूं कि उनकी मदद नहीं कर सका जब उन पर इल्जाम लगाया जा रहा था, तो मैं खामोश रहा, इसके लिए मैं माफी चाहता हूं। और आज सबके सामने आकर उन सब लड़कों से माफी चाहता हूं मैं। मेरी खामोशी के लिए माफ कर देना। यहां पर एक बड़ा सा ग्राउंड होगा और इस साइड पर एक अच्छा सा होटल बनाएंगे। इस तरफ से आने वाले सयाह हर तरफ का नजारा देख सकेंगे सर, जो हमारे लिए बहुत फायदेमंद साबित होगा। बहुत खूब, जबरदस्त, उम्मीद है कि सब अच्छा ही होगा। यकीनन यहाँ से हमें बहुत फायदा हासिल होगा, इस मंसूबे से हमारा मुस्तकबिल मजीद रोशन होगा। एक मिनट सर, ये सुने, मैं बताना चाहता हूँ कि उन तमाम लड़कों पर बोहतान लगाया है। वो लोग मस्जिद में जूते उतार कर दाखिल हुए थे, उनके बारे में जो कुछ भी लिखा गया और जो कुछ भी दिखाया गया वो सब झूठ है। अगर कोई मुजरिम है तो मैं हूं, मुझे सजा मिलनी चाहिए। मुजरिम हूं कि ये इंसान ऐसे कैसे कर सकता है, कैसे कर सकता है? उस इमाम का काम खत्म कर दो, समझे? अब इस काम में कोई कोताही नहीं होनी चाहिए। जी ठीक है सर। इमाम साहब ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि वो लोग जो भी थे वो दहशतगर्द नहीं थे और ना ही उनका किसी ऐसी तंजीम से कोई ताल्लुक था, क्योंकि जब वो मस्जिद में दाखिल हुए तो उसी तरीके से हुए जिस तरीके से मस्जिद में दाखिल होना चाहिए। हमने तुम्हें कितना शरीफ समझा था, तू है तुम पर, उन लोगों की तरह तुम भी मुल्क के खिलाफ हो गए हो। अस्सलाम वालेकुम रजा भाई, कैसे हो? मुझे ब्रेड चाहिए। अंदर कहाँ जा रहे हो, कोई ब्रेड नहीं है तुम्हारे लिए, चले जाओ अब यहाँ से। रात को मैं चाय लेकर गया था, उसके पैसे तो ले लो। नहीं चाहिए तुम्हारे पैसे, चलो अब दफा हो जाओ यहाँ से, चलो जल्दी करो। हमारी बेटी जाकर रिंग वापस कर आई है, उसने कहा मैं अपने बाबा के खिलाफ बात नहीं सुन सकती। शर्म आनी चाहिए आपको, देखा उन लोगों ने क्या हल कर दिया मेरी दुकान का। आप भी उनके साथ मिलकर हुकूमत और दीन के खिलाफ हो गए हैं, आप चले जाइए यहाँ से, मेरा तो दिन ही खराब कर दिया। देखा तुमने, मैंने पहले ही कहा था, मैं जानता था कि यह सब कुछ होगा। तुम किस बारे में बात कर रहे हो? मैं इसी बयान की बात कर रहा हूँ जो तुम्हारे बाबा ने मीडिया को दिया है, और तुम जानती हो कि मेरे बाबा इन सब कामों को बहुत नापसंद करते हैं। तुम्हारे बाबा ने बयान देकर बहुत बड़ी गलती की है राबिया। मेरे बाबा ने कोई गलत काम नहीं किया वली। देखो मैं ये नहीं कह रहा कि उन्होंने गलत किया, लेकिन वो लड़कों की बहुत साइड ले रहे हैं राबिया, वो लोग हुकूमत और हमारे मुल्क के खिलाफ हैं। तुम्हें क्या, अब जो कुछ भी होगा सिर्फ मुझे भुगतना पड़ेगा, और तुम अच्छी तरह से जानती हो कि अब सब लोग हम पर उंगली उठाएंगे। मैं अपने बाबा के साथ हूँ, समझे?
लेकिन तुम मेरे साथ रहने के लायक नहीं हो। तुम फिर से आ गए इमाम के बेटे। सॉरी, तुम्हारे बाबा तो दहशतगर्द हैं। क्या हुआ सनान, ये किसने किया? मुझे टीम से निकाल दिया बाबा, लेकिन मैंने उन्हें आपके बारे में कुछ नहीं कहने दिया। बाबा, मैं बहुत शर्मिंदा हूं अपने किए पर। अपने दोस्तों से मिलकर आज तक मैंने बहुत गलत काम किए हैं, मुझे माफ कर दें। कोई बात नहीं बेटा, गलती इंसान से ही होती है। देखो बेटी, रो मत, खुदा के लिए रो मत, तुम बस कर दो। हमारी बेटी जाकर रिंग वापस कर आई है। उसने कहा मैं अपने बाबा के खिलाफ बात नहीं सुन सकती। इमाम साहब, भला हम लोग कैसे ना आते? हम जानते हैं कि आप कभी कुछ गलत नहीं कर सकते। हाँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। मुफ्ती साहब ने ये ऑर्डर भेजा है, इस पर साइन कर दीजिए इमाम साहब। आपके काम में आसानी हो। तुम्हारे काम में भी। क्या है ये, बताइए इमाम साहब। हमें निकाल दिया है हसन भाई। इमाम साहब, लाइए मैं उठा लेता हूँ। हाँ, तुम लोग जहमत मत करो बेटा। इसमें जहमत वाली क्या बात है? आपने हमारे साथ इतना किया, ये तो कुछ भी नहीं। शुक्रिया बच्चों, अल्लाह तुम सबको खुश रखे। हमने तो कुछ भी नहीं किया, लेकिन आपने जो किया वो हम हमेशा याद रखेंगे। सारी जिंदगी आपके एहसान रहेंगे। ऐसी बात नहीं, अगर मैं वो ना करता तो खुदा कभी मुझे माफ ना करता। अच्छा, अल्लाह के हिफ्ज़ो अमान। इमाम साहब, आप जो कुछ कहेंगे हम करने को तैयार हैं, बस एक दफा आप हुक्म करें, हम उनको बता देंगे कि हम भी कम नहीं हैं। नहीं, गलती को गलती से ठीक नहीं किया जाता। तुम लोग जुम्मे की नमाज तो जरूर अदा करना,
अच्छा जी। अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करे। खुदा हाफिज़। चलो मैं जमात के लिए खाना लाया हूँ इमाम साहब। गलत जगह पर आ गए हैं जनाब, यहाँ तो सिर्फ हम दोनों हैं, हम तो जुम्मा भी नहीं अदा कर सकते। मगर अब तो तीन हो गए ना। फिर भी कम है, एक और होना चाहिए। नहीं पढ़ सकते ना। इमाम के अलावा तीन लोग मजीद होने चाहिए। अब हम क्या करेंगे, यहां तो कोई भी नहीं आएगा। फिर हम जोहर की नमाज पढ़ लेंगे। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत है, आप यहां क्या कर रहे हैं? मैं जमात के लिए खाना लाया हूं इमाम साहब। गलत जगह पर आ गए हैं जनाब, यहां तो सिर्फ हम दोनों हैं, हम तो जुम्मा भी नहीं अदा कर सकते। मगर अब तो तीन हो गया ना। फिर भी कम है, एक और होना चाहिए। इंशाल्लाह जुम्मा अदा होगा। इमाम साहब, हमने सोचा जुमा अदा कर लेते हैं, हम लेट तो नहीं हो गए? नहीं नहीं हुए लेट, पूरे टाइम पर आए हो। आओ जुमा अदा करते हैं, चलो आ जाओ, देर हो रही है। वदिन्ना
ربك أعمالهم إنه بما يعملون خبير فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. इमाम साहब, बाबा, इमाम साहब प्लीज, बाबा उठिए ना, आप ठीक तो हैं, बाबा, बाबा प्लीज आंखें खोलिए, इमाम साहब, बाबा उठिए, बाबा, इमाम साहब, बाबा, बाबा आंखें खोलिए, आप मुझे छोड़ के नहीं जा सकते, उठिए बाबा। अच्छे काम किए हैं, इसका बदला तुम्हें यहां जरूर मिलेगा, बेशक तुम निजात पाने वालों में से हो। ये कौन है? ये लोग तुम्हारी जमात के हैं। ये मेरी जमात है? तुम इन्हें नमाज पढ़ाओगे, लेकिन पहले मैं तुम्हें कुछ दिखा देना चाहता हूं। ये क्या है? ये देखो, ये तुम्हारी नमाज जनाजा का मंजर है। वो लोग कौन है और वहां क्या कर रहे हैं? इन लोगों ने दूसरे इंसानों का हक खाया है और अल्लाह के दीन को बहुत सस्ते में बेचा है, इसीलिए ये अजाब में है और ता कयामत यूं ही जलते रहेंगे।